आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश सरकार को हाई कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नीतीश सरकार की जातीय जनगणना से रोक हटा ली है और कहा है कि जातीय जनगणना हो सकती है बिहार में। इस आदेश के बाद जो है तुरंत राजद में सबसे ज्यादा खुशी की लहर दौड़ी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार के प्रति जाति आधारित सर्वे से प्रमाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त होंगे। ओबीसी का दंभ भरने वाले प्रधानमंत्री अब देश में भी जातीय जनगणना कराएं। हम उनका ट्वीट दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव का, देखिए हमारे स्क्रीन पे ट्वीट चल रहा है, हमारे दाहिने तरफ वो ट्वीट चल रहा है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है कि अब ओबीसी का दंभ भरते हैं कि प्रधानमंत्री के वो ओबीसी हैं, अब देश में जाति जनगणना वो करा के दिखाएं। लेकिन जिस पक्ष की हार हुई है अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आने के बाद कि नतीजा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे स्टे लगाता है या इसे हाई कोर्ट के फैसले को जारी रख सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन तुरंत जदयू के तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा ने कुछ कहा है, पहले सुनवा देते हैं आपको। यह फैसला जो है जनता के हित के लिए हुआ है और जो सामाजिक न्याय के लोगों के विरुद्ध जो लोग थे उनको थप्पड़ लगा है, गाल पर तमाचे लगा है और इसमें जो है जो फैसला दिया गया है इससे बहुत राहत हुई है और निश्चित रूप से जो है हम समझते हैं कि जनहित में फैसला हुआ है। तो आपने सुना उमेश कुशवाहा भी बहुत खुश, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो सोचते हैं बड़ी दूर की सोचते हैं और जातीय जनगणना कराना ये एक सही दिशा में कार्यक्रम था जिसे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने इसको अटकाने का काम किया, खास करके भाजपा वालों ने अटकाने का काम किया। कुछ देर के बाद जो है राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, वो भी खबर हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।